नमस्कार, हमारे साथ एक और कैंडिडेट यूपी पीसीएस का इंटरव्यू चल रहा है और अभी एक और कैंडिडेट हमारे साथ जुड़ चुकी है। मैम अभी इंटरव्यू के बाहर आई हैं और मैम आपका नाम जानना चाहेंगे और आपका एजुकेशनल का बैकग्राउंड जानना चाहेंगे। मेरा नाम गरिमा है और मैंने बीकॉम ऑनर्स किया है। अच्छा, कहाँ से मैम? मैं पंजाब से हूँ। पंजाबी हैं आप? हाँ जी, लुधियाना से। लुधियाना से है मैम। तो पंजाब से लुधियाना से हैं आप और यूपी पीसीएस का आप इंटरव्यू इस समय दे रही हैं, तो उत्तर प्रदेश से अलग लगाव है कि मतलब तैयारी के दौरान यूपीएससी के दौरान यूपी पीएससी दे दिया गया है? यूपीएससी की तैयारी के दौरान यूपी पीसीएस दिया गया है। अच्छा, यूपीएससी की तैयारी के दौरान। आपने यूपीएससी का कितना अटेम्प्ट दिया मैम? मैंने 4 अटेम्प्ट दिए हैं और 4 ही मेंस लिखे हैं। इंटरव्यू तक नहीं पहुंच पाई। अच्छा, ये देखिए बहुत एक अच्छी स्टोरी भी रहती है एस्पिरेंट की कि 4-4 बार मेंस क्लियर ना हो पाना, फिर इंटरव्यू तक ना जा पाना, उसके बाद फिर यूपी पीसीएस में मैम, मतलब ये यहाँ का कौन सा अटेम्प्ट है आपका मैम? ये मेरा दूसरा अटेम्प्ट है, पहले इस पर मैंने मेंस लिखा है। अच्छा, मेंस पहले लिखा है। इंटरव्यू आपका कितने देर तक चला मैम? अबाउट 20 मिनट्स। 20 मिनट्स। कैसे सवाल पूछे गए? एक सिचुएशनल क्वेश्चन पूछा था कि अगर आपको स्टेडियम बनवाना है अपने डिस्ट्रिक्ट में और गवर्नमेंट ने मना कर दिया कि हमारे पास पैसा नहीं है, तो आप क्या करेंगी या कैसे फंडिंग करवाएंगी उस स्टेडियम की, इस तरह से पूछा था। बाकी मेरा कॉमर्स बैकग्राउंड है तो उन्होंने पूछा था कि डीमोनेटाइजेशन ठीक है या गलत है इसके रिगार्डिंग, और आपकी क्या क्वालिटीज़ हैं ये पूछा था। और एक पूछा था कि जैसे 1 रुपए के नोट पे फाइनेंस सेक्रेटरी के साइन होते हैं और बड़े नोट्स पे आरबीआई गवर्नर के होते हैं, तो ऐसा क्यों है, क्या रीज़न है इसके पीछे। और इन्होंने पूछा था मुझसे कि आपको ऐसी क्या सोसाइटी में प्रॉब्लम्स लगती हैं जो अभी भी एग्जिस्ट कर रही हैं। और पूछा था सर कि आप ऐसी एक चीज़ बता दीजिए जिसे आप सबसे ज़्यादा नापसंद करती हैं, ये पूछा गया है। और बाकी सर मेरे जॉब से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पूछे थे, जैसे मैं एयरपोर्ट अथॉरिटी में काम कर रही हूँ तो पूछा था कि उनकी जो प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं तो क्या वो सही है कि गलत है। फिर पीएसयू प्राइवेटाइजेशन पे भी पूछा था कि क्यों करनी चाहिए और आपका इस पर क्या विचार है। और इस तरह ये सारे सवाल इंटरव्यू में इस बार पूछे गए हैं सबने, आपने अच्छे से सबका जवाब दिया ही होगा। अच्छा मैम, इंग्लिश माध्यम है आपका? रिटर्न में इंग्लिश है, इंटरव्यू तो हिंदी में ही चला है। इंटरव्यू हिंदी में चला है मैम। प्रीलिम्स अभी 17 मार्च को आने वाला है, तो उसके लिए क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, क्योंकि आप यूपीएससी की भी तैयारी कर रही हैं, इस बार अटेम्प्ट भी देना होगा यूपीएससी का भी आपको, तो उसके लिए क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए प्रीलिम्स के लिए? स्टैटिक पे ज़्यादा फोकस रखना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट वगैरह देने चाहिए उससे आपका, और उसको एनालाइज करना चाहिए ताकि उसे पता चल जाए कि आप किस एरिया में वीक हो और उसको आप रिवाइज कीजिए। अच्छा, ये भी बात है कि पेपर 5 और 6 जो है इस बार नया ऐड हुआ था, ऑप्शनल हटी गया था, तो जो बाहर के बच्चे उनके लिए जो बेनिफिट था वो तो शायद, लेकिन आपका इंटरव्यू कॉल आया है तो इसका मतलब आपका पेपर 5 और 6 ठीक ही ठाक गया होगा, नंबर भले ही कम या ज़्यादा मिले होंगे। एक ही दिन का गैप भी था शायद मेंस में? चार एक साथ ही थे, 8 पेपर 4 दिन में थे। अच्छा, जो मतलब यूपीएससी दे रहे थे उनके लिए शायद 1 दिन का गैप था। हाँ, तो मैम उसकी तैयारी आपने कहाँ से की थी? उसकी तैयारी मैंने बुक्स ली थी, कुछ जैसे नोट्स अवेलेबल थे मार्केट में, और इसी तरह से किए थे, ध्येय के नोट्स मंगवाए थे और ध्येय आईएएस के, ध्येय आईएएस से, या मैं भी उसी कोचिंग का स्टूडेंट हूँ। अच्छा, वहाँ के नोट्स मंगवाए थे और 1-2 ऑनलाइन जो मेरे को नोट्स मिले थे वहीं से ही पढ़ा था और उसी से ही किया है। अच्छा, मैम न्यूज़पेपर की रीडिंग आप करती थी? हाँ, न्यूज़पेपर का इंडियन एक्सप्रेस पढ़ती हूँ। इंडियन एक्सप्रेस। अच्छा, न्यूज़पेपर किस तरीके से पढ़ा जाए, कोई भी बच्चा अगर इंग्लिश माध्यम का है और शुरुआती तैयारी कर रहा है तो बहुत समय तो लगता है, 2-2 घंटे लगता है, फिर क्या क्या न्यूज़पेपर में क्या पढ़ा जाए, कैसे पढ़ा जाए? सर, सबसे पहले तो सिलेबस को अपने आप को देखिए, यूपीएससी के और यूपीपीसीएस के जो भी सिलेबस है उससे रेलिवेंट टॉपिक्स को हमें न्यूज़पेपर में पढ़ना है। सभी न्यूज़ काम की नहीं होती हैं कि उसने उसको मार दिया या कुछ कर दिया, वो काम के वो नहीं पढ़ना होता हमें, जो हमारे रेलिवेंट टॉपिक्स हैं उसमें से पढ़ो और उसमें से डेटा और फैक्ट्स और जो भी ओपिनियन बेस्ड जो ओपिनियन आता है, वो पेज आता है ओपेड का, तो उसको पढ़ो ताकि आपका अपना व्यू पॉइंट आप डिवेल्प कर सको, उस तरीके से पढ़ना चाहिए, ना कि उसमें से कुछ चीज़ें पढ़नी चाहिए। नोट्स बनाना चाहिए कि नहीं बनाना चाहिए न्यूज़पेपर का? नोट्स तो नहीं, वैसे मुझे नहीं लगता, क्योंकि एक बार नोट्स बना लो तो उसको आदमी पढ़ नहीं पाता है दोबारा से, तो उसको एक बार आपको ग्रैस्प भी करना चाहिए कि एक बार आपको पढ़ लिया और एक बार आपने उसको पढ़ लिया और आप उसको
मतलब व्यू पॉइंट्स बनाने के लिए काम आना चाहिए, अपना वाइडर व्यू डेवलप करने के लिए, ना कि उसको रट्टा मारने के लिए कोई काम तो नहीं है न्यूज़पेपर। रट्टा नहीं मारना, मैम पंजाबी विषय में बोल रही हैं, अच्छी बात है क्योंकि भारत विविधताओं का भी देश है। अच्छा सबसे ज़रूरी है मैम एनसीईआरटी का रोल, एनसीईआरटी आपने पढ़ी थी तो कितनी बार पढ़ी थी कि पढ़ी ही नहीं थी? मैंने एनसीईआरटी नहीं पढ़ी है। देखिए एनसीईआरटी मैम ने नहीं पढ़ी है और बहुत सारे एस्पिरेंट हमको मिले हैं कि एनसीईआरटी जिन्होंने पढ़ी नहीं है, तो ये बहुत अच्छी बात है, आपके लिए रिलैक्स है। लेकिन उसकी जगह पे मैम आपने क्या मतलब अप्लाई फॉलो किया? मैंने एक्चुअली पहले ही अपना जैसे कोचिंग के नोट्स और ये सब से करना स्टार्ट कर दिया था। लक्ष्मीकांत जो बेसिक बुक्स हैं, लक्ष्मीकांत हो गया, मॉडर्न हिस्ट्री के लिए राजीव आहिर है, तो उसी से ही मैंने स्टार्ट अपना वहीं से। इकोनॉमी के लिए मैंने रमेश सिंह को भी रेफ़र किया है और थोड़े ऑनलाइन वीडियोस वगैरह। हिस्ट्री के लिए राजीव अहीर, मॉडर्न हिस्ट्री के लिए, और एनसीईआरटी मैंने उसके लिए एंशियंट और मिडिवल के लिए मैंने एनसीईआरटी देखी थी। ज्योग्राफी के लिए मैम? ज्योग्राफी के लिए सर एक प्लस वन की एनसीईआरटी भी पढ़ सकते हैं, वैसे मैंने एक जो महेश बर्नवाल की बुक है उसको भी रेफ़र किया मैंने। अच्छा कितनी बार आपने लक्ष्मीकांत पढ़ी मैम? पहले तो स्लो स्लो पढ़ते हैं हम, एक चैप्टर किया वो किया, अब समझने में भी टाइम लगता है। बाद में आपको जब धीरे धीरे आप पढ़ते रहते हो, रिवीजन करते रहते हो, फिर आपका टाइम कम होता रहता है। कि अभी आप लक्ष्मीकांत पढ़ते हैं तो कितने दिन में खत्म कर लेती हैं? ऐसे एक एक साथ तो नहीं पढ़ती हूँ मैं, कि एक साथ ही पढ़ना है। जैसे अगर मैं करने लगूँ तो मैं चार दिन में भी लक्ष्मीकांत, तीन चार दिन में ख़त्म कर सकती हूँ उसको। तो ये सारी चीज़ें हैं, लक्ष्मीकांत मैम 20 से 25 बार ख़त्म कर चुकी हैं, और सबसे ज़रूरी मैम फेज आता है जब कि चार चार बार आईएएस का इंटरव्यू कॉल ना हो पाना, उसके बाद फिर यहाँ पे ट्राई करना, और यहाँ भी आपके साथ दूसरा अटेम्प्ट ये वाला है। तो जब कोई इंसान असफल होता है तो कैसे आप अपने आप को मोटिवेट करती हैं? दो तीन दिन तो सदमे में तो इंसान जा ही जाता है। उस समय पे अपने पेरेंट्स का सपोर्ट और अपने जो लक्ष्य आपने किया है उसके तरफ आपको मतलब निरंतर लगे रहना है, आपको हार नहीं मारनी है, अपने फ्रेंड से बात करो, अपने पेरेंट्स से बात करो, तो उसी से ही आप और दोबारा कुछ देर का ब्रेक लेके आप दोबारा अपनी पढ़ाई में जुट जाइए। अच्छा जैसे कि कोई छात्र है अभी तैयारी अपनी शुरू ही करना चाहता है, तो उसके बाद फिर ज़रूरी ये है कि वो कहाँ से अपनी तैयारी की शुरुआत करे? सर बेसिकली अगर वो खुद से तैयारी कर रहा है तो अभी एनसीईआरटी से भी स्टार्ट कर सकते हैं वो, और आजकल जैसे यूट्यूब पे भी काफ़ी कोर्सेज फ्री ऑफ कॉस्ट भी चल रहे हैं, तो उससे भी हेल्प ले सकते हैं। और बेसिकली सेल्फ स्टडी इज़ द गोल, और थोड़ा थोड़ा साथ साथ में आंसर राइटिंग पे भी फोकस करना बहुत ज़रूरी है। आंसर राइटिंग पे फोकस करना ज़रूरी है। अच्छा मैम आप सोशल मीडिया यूज करती थी तैयारी के दौरान? बहुत कम, जैसे फेसबुक चला लिया या व्हाट्सएप, बस इतना ही। ट्विटर और ये इंस्टाग्राम पे तो नहीं थी मैं। इंस्टाग्राम पे आप नहीं थी, मतलब सोशल मीडिया यूज करना चाहिए कि हल्का फुल्का कि संन्यास लेना चाहिए? थोड़ा बहुत यूज़ कर लेना चाहिए, क्योंकि क्योंकि ये बहुत लंबी जर्नी है, और अगर आप ऐसा करें कि हम कुछ यूज़ नहीं करेंगे तो आप एक पॉइंट ऐसा आएगा कि आप फ्रस्ट्रेटेड महसूस करेंगे। थोड़ा बहुत यूज़ कर लेना चाहिए, बहुत ज़्यादा नहीं उसके अंदर इंडल्ज होना चाहिए, क्योंकि उससे बहुत टाइम भी वेस्ट होता है। जैसे मैंने इंस्टाग्राम नहीं यूज़ किया, बनाया ही नहीं, अकाउंट ही नहीं बनाया, तो ठीक है, तो थोड़ा बहुत ठीक है स्क्रॉल करने के लिए। अच्छा मैम जैसे ये है कि घटना चक्र आपने प्रीलिम्स के टाइम सॉल्व किया था कि नहीं, क्वेश्चन आंसर प्रीवियस ईयर के? मैंने प्रीवियस ईयर के कुछ कुछ सेक्शंस के देखे थे, जैसे साइंस का देखा था मैंने और हिस्ट्री का देखा था कुछ कुछ, और इसके अलावा करंट अफेयर्स मैंने घटना चक्र की ईयरली जो आती आई दृष्टि, वो आई दृष्टि हाँ, तो वो देखी थी मैंने उस टाइम पे। अच्छा आप जॉब में भी, अभी आपने बताया कि आप जॉब भी करती हैं, तो जॉब के अतिरिक्त आपको समय मिल जाता है तैयारी करने के लिए? कब आप कितनी डेली रूटीन आप बताइए, टाइम टेबल बताइए, टाइम टेबल बच्चे जानेंगे तब उसी हिसाब से पढ़ेंगे। अभी एक्चुअली मैंने जॉब अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, दो तीन महीने ही हुए हैं मुझे, पर लेकिन यही है कि सैटरडे संडे जैसे मेरा ऑफ होता है तो उस दौरान तो फिर पूरा दिन ही पढ़ना ही है। कितना घंटे मैम, 24 घंटे में? 8-9 घंटे तो पढ़ना ही पड़ेगा अगर आप पूरे दिन में पढ़ रहे हैं। और उसके अलावा मैं जैसे ऑफिस से जाके तो ज़्यादा नहीं, मतलब थोड़ा बहुत देख लिया, घंटा कुछ देख लिया अगर हल्का फुल्का, क्योंकि घर जाके थक जाता है इंसान, तो मैं प्रेफर करती हूँ सुबह उठ के ही पढ़ना। तो सुबह उठ के मेरे को जो 3-4 घंटे जो भी मिलते हैं तो मैं उस दौरान पढ़ती हूँ। मतलब सुबह उठ के मैम, मतलब जब भी समय मिले तब इंसान को पढ़ना चाहिए?
तभी समय में से समय निकलेगा, तभी बात बनेगी। तभी अच्छा, इस सफलता का श्रेय मतलब अभी सफलता तो आपको मिल ही जाएगी उम्मीद करते हैं, क्योंकि इतने लोगों का दुआ रहेगी। तो मतलब का श्रेय आप किसको देना चाहेंगी, मतलब इतनी जर्नी में आपके साथ सबसे ज्यादा कौन रहा है? मेरे मम्मा ही मेरे साथ रहे हैं, अभी भी आज भी वो मेरे साथ आए हुए हैं, हर हमेशा मेंस में भी वो मेरे साथ ही रहते हैं। अच्छा, हमेशा माँ आपकी साथ ही रहती है। मम्मी कहाँ है कुछ अभी? वो दूसरी एंट्री से दूसरी जगह से निकले हैं ना, तो शायद वो दूसरे गेट पे वेट कर रहे हैं। कुछ लास्ट फंडा लड़कियों के लिए, क्योंकि लड़कियां जो है आजकल लड़कों से हर एक क्षेत्र में कहीं ज़्यादा आगे जा ही रही हैं, क्योंकि इंटरव्यू भी चल रहा है तो मैक्सिमम लड़कियां ही कैंडिडेट दिख रही हैं, बराबरी का मुकाबला चल रहा है। तो लड़कियों के लिए क्या मोटिवेशन होना चाहिए, क्या वजह होनी चाहिए कुछ कर गुजरने की? सर, सेल्फ इंडिपेंडेंस और अपने माता पिता को जो प्राउड फील करवाना इज़ मतलब वो लक्ष्य होना चाहिए, अपने अंदर वो रखना चाहिए जज्बा। अच्छा, वो जज्बा होना चाहिए। मैम बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना सुना कि आपका सिलेक्शन इस बार ज़रूर हो। बहुत लंबी जर्नी आपने की और यूपी में आप ज़रूर आएँ, क्योंकि आप जैसे अधिकारी अगर आएंगे तो फिर पंजाब की विविधताएँ भी यहाँ पर लेकर जरूर आएंगे। थैंक यू मैम, थैंक यू।